नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हां, आपने एकदम सही पढ़ा, पाकिस्तान पर एक बार फिर से कहर टूटा है। 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ पाकिस्तान का जुर्माना लगाया गया। किसने लगाया यह बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है कि अपनी खराब शासन व्यवस्था के कारण पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यानी 7.45 अरब डॉलर रुपये के जुर्माने का भुगतान किया है। असल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को जिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड थे उन्हें पूरा करने में पाकिस्तान ने नाकामी दिखाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान को बड़ा जुर्माना भरना पड़ा है। पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में कुछ परियोजनाओं को लागू करना था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा। आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें साफ लिखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 से देश की विभिन्न सरकारों ने अब तक लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भुगतान किया है। जिन प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया था उन पर एडीबी ने 0.15% के शुल्क जुर्माना लगाया है। वहीं अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में खराब शासन व्यवस्था के कारण एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जमसोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए साल 2014 में कोयला अग्रिन प्रौद्योगिकी के जरिए 660 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए थे, जिन्हें 2019 में पूरा करा जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रोजेक्ट उस समय तक पूरा नहीं हो पाया। समाचार पत्र रिपोर्ट के मुताबिक एडीबी ने 50% से भी कम राशि लगभग 313 मिलियन डॉलर का वितरण किया था, इसलिए अब पाकिस्तान प्रतिबंधित शुल्क के रूप में दंड भुगतान करने के लिए मजबूर है। वहीं खराब प्रशासन का एक उदाहरण स्मार्ट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, इसे भी एडीबी ने कुछ फंड दिए थे। इसे 2015 से 16 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन अप्रूवल के 5 साल बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया। वहीं आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2006 में जून 2021 तक पाकिस्तान प्रतिबंधित शुल्क के रूप में कुल 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना दे चुका है।